हेलो एवरीवन, अगर आपके चैनल पर अपील करने का ऑप्शन आ गया है या फिर रीयूज कंटेंट आ गया है और आपका चैनल मोटाइज नहीं हो रहा है तो मैं आपको आपके सामने एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूं। यहां पर अपील करते टाइम हमने इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया था और अपील किया इनके चैनल पर और वो चैनल मोनेटाइज हो गया। कैसे मोनेटाइज हुआ वो सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा और आपका चैनल कैसे मोनेटाइज होगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप पूरी वीडियो देखोगे तो समझ जाओगे और पूरी वीडियो देखते टाइम आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि चैनल को जब सब्सक्राइब कर लेते हो तो मैं टाइम टू टाइम जो भी वीडियो अपलोड करता हूं, जो भी जानकारी आपके साथ शेयर करता हूं, वो आपको देखने को मिलती है। तो आइए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं बिना टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अभी स्क्रीनशॉट देखा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखा, जो चैनल मोनेटाइज है मैं उसी चैनल पर क्लिक करता हूं, YouTube स्टूडियो पर क्लिक करता हूं। YouTube स्टूडियो पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर क्या लिखा हुआ है, योर चैनल वॉज नॉट अप्रूव्ड फॉर मोनेटाइजेशन। ये डेट आप देख लीजिए 6 दिसंबर 2023 को जब हमने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया तो इस चैनल पर लिखकर आ गया कि हम आपके चैनल को मोनेटाइज नहीं करेंगे। लेकिन जब हमने इनके चैनल को देखा दोबारा से, क्योंकि हमने ही अप्लाई करवाया था पहले और दोबारा से YouTube ने रीयूज्ड भेज दिया, तो निराशा होती है, दुख होता है कि ऐसा क्यों किया। बट दोबारा से रिव्यू किया चैनल को और जब देखा अपील का एक ऑप्शन आया हुआ था, तो जब अपील का ऑप्शन आया हुआ था उस अपील के ऑप्शन को हमने ट्राई किया और ट्राई करने के लिए मैंने कहा आप एक अपील की वीडियो बनाइए। इनसे मैंने एक वीडियो बनवाई जो कि आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीजें इनके थ्रू कैसे हुई या मेरे थ्रू कैसे हुई। इन्होंने हमारी पेड मेंबरशिप ले रखी थी। पेड मेंबरशिप लेने के लिए आपको सामने दो इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, इस पर अगर आप मैसेज करेंगे तो आपको पेड मेंबरशिप मिल जाएगी। हम वीडियो कॉल करेंगे, वीडियो कॉल के बाद आपको पेड मेंबरशिप दूंगा। अब बात कर लेते हैं कि आपका चैनल कैसे मोनेटाइज होगा, इनका चैनल हमने कैसे मोनेटाइज किया, वो सारी डिटेल एक एक करके डिस्कशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने मैं आपको यहां पर दिखाता हूं ये चीजें इनके चैनल पर। मैं यहां पर अभी अर्न वाले फीचर पर क्लिक करता हूं और अभी के टाइम पर आप देख सकते हैं इनका चैनल मोनेटाइज है, यहां पर एडसेंस लगा हुआ है, सारी चीजें अभी ओके है। अब मैं इनके कंटेंट वाले वीडियो पर क्लिक करता हूं और कंटेंट वाले वीडियो पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं इनके हर एक वीडियो पर एड ऑन है। ये एड कैसे ऑन हुआ और किस टाइप की वीडियो डालनी चाहिए आपको अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए और अपील करते टाइम क्या ध्यान में रखना चाहिए, तो देख सकते हैं आप। इनके चैनल पर बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी। पहले ये क्या करते थे कि कोई म्यूजिक की वीडियो डाल दी, कोई सॉन्ग की वीडियो डाल दिया, कोई कहीं गए ब्लॉगिंग किया तो उसी की वीडियो डाली, लेकिन उसमें ये दिख नहीं रहे थे। अगर उसमें ये दिख रहे थे तो फिर उसमें आवाज नहीं थी, म्यूजिक चल रहा था बैकग्राउंड में, तो वो YouTube कहता है कि उस टाइप की वीडियो सारी की सारी वीडियो रीयूज्ड होती है। तो अगर कोई ऐसी वीडियो आपके चैनल पर अभी के टाइम पर पड़ी हुई है जिसमें कि आपकी फुट आप दिख तो रहे हो लेकिन आवाज आपकी नहीं है, बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है और उस वीडियो में कोई वैल्यू नहीं है, तो आप उसे प्राइवेट या डिलीट कर देना, क्योंकि अगर प्राइवेट या डिलीट नहीं करोगे तो रीयूज्ड कंटेंट आने का चांस पूरा रहता है, तो इसलिए उसे डिलीट कर देना। प्राइवेट करो तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा रहेगा कि डिलीट करो, अगर डिलीट कर देते हो तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, या फिर आप उस वीडियो को अपने ट्रिम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं और समझाता हूं। जैसे ये एक वीडियो है, यहां पर आप देख सकते हैं ये वीडियो है, इस वीडियो में 25 मिनट की ये वीडियो है। अब इस वीडियो में अगर कहीं पर कोई इतना पार्ट, जैसे 25 मिनट की वीडियो है तो 10 मिनट में कुछ भी नहीं बोला गया है, कुछ भी नहीं किया गया है, तो आपको क्या काम करना है, ऐसे ही आना है अपने चैनल पर और यहां पर ऑप्शन आता है एडिटर का, एडिटर वाले ऑप्शन पर आना। एडिटर वाले ऑप्शन पर आने के बाद आपको एडिट करना होगा, जैसे ये वीडियो है तो यहां पर आपको एडिट कर देना है, ठीक है। एडिट करने के लिए यहां पर ट्रिम एंड कट पर क्लिक करिए और उसके बाद यहां पर क्लिक कर दीजिए और यहां पर न्यू कट लगाइए, इतनी जितना भी कट करना है उतना कट लगा दीजिए, यहां से लेकर यहां तक कट लग गया, ये यहां से लेकर यहां तक कट लग गया, और उसके बाद ओके पर प्रेस कर दीजिए, फिर प्रीव्यू करके देख लीजिए ये कट लग जाएगा। मैं आपको यहां पर कट नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये वीडियो दूसरे के चैनल की है और इनका चैनल मोनेटाइज करवाया है तो कट करने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि ये आप देख लीजिए। अब बात करते हैं कि अगर आपके चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट आया है और आपको नहीं पता चल रहा है और खासतौर पर अपील करने का भी ऑप्शन आया, तो अपील अगर करने का ऑप्शन आया तो एक अपील की वीडियो बनानी, जैसे इन्होंने बना रखी है। अपील की वीडियो बनाने के लिए आपको दो तीन काम करने होते हैं। सबसे पहला तो अपील की वीडियो बनाओ तो उसमें आपको ये बोलना होता है, हेलो डियर टीम यूट्यूब, मेरे चैनल का नाम ये है, मेरे चैनल पर वायरल ये है और मेरे चैनल का वायरल ये है, मेरे चैनल पर क्या क्या मैं अपलोड करता हूँ, वो सारी चीजें। प्लस आपको ये भी बोलना है मेरे चैनल का थीम जो है वो थीम है, मेरे चैनल का थीम, आप जिस टॉपिक पर वीडियो बनाते हो, जिस कैटेगरी में वीडियो बनाते हो, वो चीज बताना होगा, राइट। जैसे कि ये ब्लॉगिंग करते हैं तो ये कहेंगे मेरे चैनल का थीम ब्लॉगिंग है, डियर टीम यूट्यूब, मैं अपने चैनल पर ब्लॉगिंग की वीडियो अपलोड करता हूं। अब बात करते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कोई अपील की वीडियो आपने बना दिया, तो अपील वीडियो आप सोच रहे होंगे कितने मिनट की बनाऊं, कितनी देर तक बनाऊं, क्या क्या चीजें उसमें दिखाऊं जिससे कि चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो अपील की वीडियो बनाने के लिए आपको 5 मिनट चाहिए, 5 मिनट के अंदर आप अपील की वीडियो बनाइए। प्लस आप उसमें दिखा सकते हैं कि आप अपने चैनल पर कैसे वीडियो शूट करते हो, कैसे एडिट करते हो, कैसे थंबनेल बनाते हो, ये तीनों चीज दिखा देना।
प्लस आपको एक बात और बता दूं कि आप अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना, डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जैसे यहां पर इन्होंने लगा रखा है बहुत कम हैशटैग लगा रखा है, बहुत सारी चीजें कम कम कर रखी है, तो आप भी ऐसे ही करना। इन्होंने डिस्क्लेमर नहीं लगा रखा है जो कि आपको लगाना पड़ेगा और लगाना चाहिए, मैं आपको यहां पर सजेस्ट करूंगा, ठीक है। डिस्क्लेमर लगा दोगे तो आपका चैनल मोटाइज हो जाएगा। डिस्क्लेमर क्या होता है? डिस्क्लेमर होता है YouTube का डिस्क्लेमर, अगर आप किसी गूगल पर जाकर लिखोगे डिस्क्लेमर टेक्स्ट, ये लिख दीजिए यहां पर, यहां पर जैसे आप लिखोगे ये आ जाएगा, ये वाला टेक्स्ट आपको लगाना होगा, ये जो लिखा, ठीक है जी, ये वाला टेक्स्ट आपको लगाना है, इतना आपको लगा देना है। ये टेक्स्ट आप लगाओगे तो आपका वीडियो और आपका चैनल दोनों सेफ रहेगा। जैसे बाई चांस कभी कोई गलत कुछ गड़बड़ कर जाते हो, कुछ गलती से निकल जाता है, तो आपके पास एक ये कॉपीराइट डिस्क्लेमर रहेगा, किसी का यूज कर लिया तो कॉपीराइट डिस्क्लेमर रहेगा। वैसे अगर कुछ बोल गए तो दूसरे वाला का, यहां वाला, ये वाला डिस्क्लेमर डाल देना, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि हम फेयर यूज करते हैं, नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल और पर्पज यूज टिप्स फॉर बैलेंस इन फेवर ऑफ फेयर यूज के तहत हम काम करते हैं, इस टाइप से है सारा काम। तो ये सारी चीजें होती हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं और आपको बताता रहता हूं। आपको ये भी बताता हूं कि आपका चैनल कैसे मोनेटाइज हो। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो, हमारी मेंबरशिप लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपको हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना होगा और लिखना होगा आई वॉन्ट टू पेड मेंबरशिप, आई वॉन्ट टू वीडियो कॉल। जब आप ये लिखते हो तब मैं आपके साथ जुड़ता हूं, मैं वीडियो कॉल करता हूं, आपसे बातें करता हूं, आपके चैनल को मोनेटाइज करता हूं। यहां तक थी ये वीडियो जिसमें आपको ये समझ में आया होगा कि अपील वीडियो कैसे करते हैं, चैनल मोनेटाइज कैसे करते हैं, डिस्क्लेमर कैसे लगाते हैं। उम्मीद करता हूं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो देखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कल फिर मिलता हूं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।